हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ खान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली हमारी स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स हो चुकी है वो दी एंड। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि भाई साहब इसके बाद कोई गेम नहीं शुरू करनी हमने। क्यों? गेम तो भाई शुरू करनी है, लेकिन एल्डन रिंग के अलावा कोई गेम नहीं शुरू करनी। तो बेसिकली हम आज से एल्डन रिंग का बाकायदा फॉर्मल स्टार्ट लेंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बड़ा मज़ेदार और जैकेदार किस्म का लेके आया हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में हम गेम प्ले स्टार्ट नहीं करने लगे। गेम प्ले से पहले जो इसकी काइंड ऑफ एडवेंचर गाइड है, जो कि एल्डन रिंग ने ऑफिशियल गाइड इसकी प्रोवाइड की हुई है स्पेशली उनको जो पीसी पे इसको डाउनलोड करके खेलना चाहते हैं। प्ले स्टेशन 5 की डिस्क में तो मुझे सच कोई ऐसी गाइड नहीं मिली, लेकिन जो पीसी वर्जन है वो भी मेरे पास है। तो वो जो पीसी वर्जन की जो गाइड है उसके साथ आज हम गो थ्रू होंगे, जिसमें ऑफिशियली उन्होंने कुछ बेसिक्स के बारे में बताया हुआ है, गेम की बेसिक्स के बारे में। तो इसलिए उन्होंने एक एडवेंचर गाइड दी है, मोस्टली गेम्स में दी होती है जो टफ गेम्स है, स्पेशली सोल लाइक्स जो गेम है। तो ये सोल लाइक्स गेम्स की तो माँ ही समझ ले है ना, माँ के अब्बा है। एल्डन रिंग आई थिंक सो फीमेल होगी। मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूं कि गेम हम खेलेंगे प्लेस्टेशन 5 पे, लेकिन ये जो एडवेंचर गाइड है ये पीसी वर्जन की है। सिर्फ एल्डन रिंग जो स्टैंडर्ड एडिशन आया था विदाउट डीएलसी वाला, उसमें आई डोंट नो कि ये गाइड थी या नहीं थी। आई थिंक सो ये नहीं थी, ये सिर्फ शैडो ऑफ द एट्री जब रिलीज हुई है डीएलसी, तब इन्होंने ये पीसी वर्जन में डाली है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के पेज से चलते हैं कि इट हैपेंड एन एज अगो, बट व्हेन आई रिकॉल आई सी ट्रू ऑन ए नाइट ऑफ द वेनिंग फॉग द रून ऑफ द डेथ वाज स्टोलन। डेथ रून जो है वो चोरी हो गया एंड द डेमीगॉड बिगन टू फॉल। डेमीगॉड ने हमला कर दिया स्टार्टिंग विद गॉडविन एंड गोल्डन क्वीन ऑफ अमेरिका वाज ड्रिवन टू द ब्रिंक। ब्रिंक कहते हैं किनारे को। द शटरिंग एंस्यूड, शटरिंग एंस्यूड होती है बिखरती हुई हवा। ए वॉर दैट रोड ओनली डार्कनेस। द एल्डन रिंग वॉज ब्रोकन, एल्डन रिंग जो थी वो टूट गई, बट बाई होम एंड वाई। ये नहीं बताया कि किसने तोड़ी और क्यों 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 क्यों। कुड बी डेमी गॉड्स एवर होप टू विन बाई वॉरिंग। वॉरिंग मतलब आपस में वॉर कर रहा, झगड़ना। द कॉन्कर ऑफ द स्टार्स जनरल रोडान, जनरल रोडान साहब जो स्टार्स के गॉड थे या कॉन्कर थे। एंड द ब्लेड ऑफ द मिकुला मलीना दी सर्व्ड। दीज टू वर द माइटीएस्ट टू रिमेन एंड लॉक्ड हॉर्न्स इन कॉम्बैट, बट देयर वुड बी नो विक्टर। ओके, ये सिर्फ बचे दोनों, आई थिंक सो मलीना और जनरल रोडान। सो वी इनहैबिट ए फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, टूटी फूटी दुनिया को जो है ना वो हमने आबाद किया। अवेट द अराइवल ऑफ द एल्डन लॉर्ड, हमने एक टूटी फूटी दुनिया को आबाद किया इंतजार करते हुए एक एल्डन लॉर्ड का। अनलेस ऑफ कोर्स द शुडंट टेक द क्राउन, हम लोग इसमें गेम जब एंड करेंगे तो बनेंगे एल्डन लॉर्ड, जो के डेथ ऑफ द रून जब चोरी हो गया तो डेमी गॉड्स ने जो है वो हमला कर दिया है क्वीन अमेरिका और गॉर्डन दी गोल्डन को नुकरे लगा दिया उन्होंने, और एक टूटी फूटी दुनिया आबाद की है उन्होंने पीछे से मिलके। लेकिन हम लोगों ने जाना है और जितने भी ये जो डेमी गॉड शॉर्ट्स हैं इन सबको हमने फटकाना है। तो चलते हैं आगे। आई होप कि मुझे इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा क्योंकि आप लोगों को डेफिनेटली पता होना है, मेरे लिए तो ये बहुत ही कोई मुश्किल किस्म का इंट्रोडक्शन था। द लैंड्स बिटवीन ए लैंड वंस ब्लेस्ड बाय द एट्री सिंस द एल्डन रिंग वाज ब्रोकन, जब तक एल्डन रिंग ब्रोकन नहीं हुई एक लैंड बिटवीन होती थी जो के ब्लेस्ड बाय द एट्री थी। इट हैज बीन राइफ विद कर्स एंड मिसफॉर्च्यून। लैंड बिटवीन एक ऐसा एरिया है जहां पे हमने पूरा क्रॉस दी मैप जो है वो जो ट्रैवल करना है उस सारे एरिए को लैंड्स बिटवीन कहते हैं। ओके, हाउ टू ट्रैवल द लैंड्स बिटवीन। द लैंड्स बिटवीन इज अ लार्ज प्लेस दैट सीमलेसली कनेक्ट्स मेनी एरियाज। फर्स्ट एम टू फाइंड द साइट ऑफ ग्रेस, सबसे पहले साइट ऑफ ग्रेस को ढूंढने की कोशिश करें। एंड एक्सप्लोरेशन बेस एंड प्लेस टू रेस्ट एंड लेवल अप। साइट ऑफ ग्रेस हमें बहुत सारी मिलेंगी जहां पे हमने रेस्ट करना है और वहीं से हम अपने करेक्टर को लेवल अप कर सकते हैं। टू एक्सपैंड द ब्रीथ ऑफ द एक्सप्लोरेशन, अपनी एक्सप्लोरेशन को वाइड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए आपने साइट ऑफ ग्रेस जितनी भी मैक्सिमम ढूंढनी है हमने, वहां से हम अपने करेक्टर को लेवल अप भी कर सकेंगे और रेस्ट भी कर सकेंगे। हमारे जो पावर है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। वहां पे हमें जो फ्लास्क मिला करेंगे वो जो हम हील करने के लिए यूज करते हैं, वो दोबारा जैसे ही आप रेस्ट ऑफ द सॉरी
साइट ऑफ द ग्रेव्स पर रेस्ट करेंगे तो वो खुद बहुत रिप्लेनिश हो जाएंगे, मींस के खुद बहुत फिल हो जाएंगे। हाउ टू ट्रेवल द लैंड बिटवीन के एरिए उन्होंने डिफरेंट किस्म के आगे बताए हैं कि कौन कौन से एरिए यहाँ पे पॉसिबल होंगे। एक होगी लेगेसी, जो बड़े बड़े महल आई थिंक सो बनेंगे, जायंट डंजन्स, डंजन्स कहते हैं वो अंडरग्राउंड एरियाज को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स जो बनी होती हैं कुछ अंडरग्राउंड या अपर ग्राउंड। बिल्ड द कॉम्प्लिकेटेड वर्टिकल पैटर्न्स, जो कि कॉम्प्लिकेटेड वर्टिकल पैटर्न्स में होंगे, रिच एडवेंचर एंड पावरफुल एनिमीज वहां पे आपका इंतजार कर रहे होंगे। एक माइंस एरिया भी होगा यहाँ पे, बहुत सारे जो है ना वो आपको सतूनों के पैटर्न मिलेंगे कि सतून बने होंगे और अंडरग्राउंड एरियाज होंगे। केव्स, गार जिसको कहते हैं, दीज नेचुरल केव कैन समटाइम हाउस डेंजरस क्रीचर्स। ओके, इन केव्स के अंदर बहुत सारे डेंजरस क्रीचर्स आपको मिलेंगे। लाइट इज लिमिटेड, लाइट वहां पे होगी कम। अगला एरिया होगा अंडरग्राउंड क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स बिल्ड बाय पर्संस अननोन। अच्छा जी, कुछ पता नहीं है किन्होंने बनाए हैं। सम हैव ट्रैप्स, वहां पे ट्रैप्स होंगे। एनिमीज प्रिटेंडिंग टू बी स्टोन स्टैचूज, ओके, स्टोन स्टैचूज की तरह के भी आपको लगेगा कि वो स्टोन पत्थर के मुजस्मे हैं, लेकिन वो एनिमीज होंगे। तो पता में ये चला कि हम पूरा जो मैप है उसको कहेंगे हम दी लैंड बिटवीन्स, और उनमें डिफरेंट एरियाज होंगे, लेगेसीज, माइंस, केव्स और अंडरग्राउंड क्रिप्ट्स। तो आगे चलते हैं भाई इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पेज में, गाइड फॉर ट्रेवलर्स ऑफ दी लैंड बिटवीन। लैंड बिटवीन के लिए गाइड उन्होंने क्या बताया, मैप होंगे, रिव्यू साइट ऑफ ग्रेट्स एंड डंजन्स यू डिस्कवर, यू हैव मार्क पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट विद पिलर्स ऑफ लाइट। ओके, डिफरेंट किस्म के पिलर ऑफ लाइट्स होंगे जहां पे हमने, जहां से हमें वो मैप मिला करेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाए साइट ऑफ ग्रेट को, उन्होंने मजीद एक्सप्लेन किया है, बेस दैट गिव कम्फर्ट गाइडेंस टू दी ट्रैनिश्ड। ट्रैनिश्ड हैं हम लोग जो किसी जमाने में दी लैंड ऑफ बिटवीन पे हुआ करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन जब ये हादसा हुआ और रून ऑफ द डेथ जो है वो चोरी हो गया, उसके बाद इसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है वो कहीं भी नहीं दी हुई। गाइडेंस ऑफ द ट्रैनिश वन एग्जिस्ट। अच्छा जी, साइट ऑफ ग्रेस का हमें पता चल गया। फिर साइट ऑफ ग्रेट्स, लाइट दैट गाइड्स द ट्रैनिश टू बी पाथ दे शुड टेक व्हेन यू आर अनश्योर वेयर टू गो, फॉलो द गाइडेंस। जो लाइट ऑफ साइट ऑफ ग्रेस है, लाइट ऑफ ग्रेस नहीं कर रहा बार बार मुंह से मेरे, साइट ऑफ ग्रेस में से अगर आपको नहीं समझ आ रहा इतना बड़ा मैप है कहाँ जाना है, तो यहाँ से एक वो लाइट निकल रही होगी, मैं आपको एरो से करके बताता हूँ। ये देखें, यहाँ से आपकी लाइट एक निकल रही होगी और आपको ये गाइड करेगी कि आपने एक्चुअल में कौन सा फॉलो करना है पाथ। स्पेक्चुरल स्ट्रीट, स्पेक्चुरल स्ट्रीट टोरेंट इनहेरिटेड फ्रॉम दी मलीना, इट वेरी एंड दी वेरी हेल्पफुल व्हेन एक्सप्लोरिंग लार्ज फील्ड। ये टोरेंट नाम का हमें एक घोड़ा मिलेगा जो हमें मलीना देगी, ठीक है। तो ये हमें जो दूर वाले सफर हैं वो ट्रैवल करने में मदद करेगा। स्क्रब्स यानी कि ये इस तरह के क्रीचर्स हमें वहां पे मिलेंगे, ब्लैक और रेड के समय, डिफीट दी स्कारलेट और दी ब्लू स्क्रब्स टू रिकवर योर यूज ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क जो हमें इनहेल करने के लिए यूज होंगे, इनहेल करने के लिए यूज होंगे। ऑफ दी क्रॉसपॉन्डिंग कलर सम स्क्रब्स आई गिव यू दी प्रीशियस आइटम, कुछ तो आपको रेगुलर वाले जो स्क्रब्स होंगे वो आपको ये फ्लास्क देंगे, और कुछ के अंदर रेयर आइटम्स हमें मिलेंगे, इनको हमने लैंड्स बिटवीन में ये जगह जगह हमें मिलेंगे और इनको हमने मारना होगा। अगले पेज पे है जी स्टेक ऑफ अमेरिका, स्टेक्स ऑफ अमेरिका, स्टैचूज ऑफ टू क्वीन अमेरिका, इफ यू डाई अर्लियर ए स्टेक ऑफ अमेरिका यू कैन चूजन टू बी अराइव। जैसे साइट ऑफ ग्रेस पे जब एक दफा आप मर जाएंगे तो साइट ऑफ ग्रेस, लास्ट साइट ऑफ ग्रेस जो आपने विजिट की होगी वहां से आप रिकवर होंगे। अगर वो थोड़ी सी ज्यादा दूर है तो अगर आपने ये स्टैचू जो है वो इसको एक्सप्लोर किया है या एग्जामिन किया हुआ तो लास्ट आप यहाँ से भी जिंदा होके उठेंगे। आई होप मुझे सही इसकी समझ आई है। तो साइट ऑफ ग्रेस और ये आपको रीस्पॉन होने में मदद करेंगे, रीस्पॉन जरा बेहतर वर्ड है। मलीना, मलीना कौन है जी, दी मैडन मेडन हु गाइड्स दी ट्रैनिश्ड हमें गाइड करेगी, एंड ए गर्ल हु ऑफर्स ट्रेल्स टू दी प्लेयर, शी कैन टर्न रून फ्रेगमेंट्स इन टू दी स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर। ओके, रून्स बेसिकली एल्डन की करेंसी है जिससे आप अपने करेक्टर को लेवल अप कर सकते हैं। तो वो जब भी आप एक दफा, आपको इसके साथ डायलॉग इनिशिएट करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद ये आपके रूनस को कन्वर्ट करेगी लेवल अप करने के लिए। हर दफा नहीं हुआ करेगा, आपने सिंपली रूनस लेने और करेक्टर और वेपन को लेवल अप कर लेना। सिर्फ स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बताया हुआ कि वो जो कन्वर्ट करने की पावर है वो मलीना के पास है। जब तक आपको मलीना नहीं मिलेगी
तब तक आप अपने करेक्टर को लेवल अप नहीं कर सकते। और 3 से 4 साइट ऑफ ग्रेस आपको एक्सप्लोर करनी होती है, उसके बाद मिलीना आपको मिल जाती है। टेंशन नहीं लेना। इम्प स्टैचू, सील्ड स्टैचू, दी सील कैन बी ब्रोकन विद दी राइट की। ओके जी, डिफरेंट किस्म के ये स्टैचूज होंगे, हमें डिफरेंट किस्म की कीज डिफरेंट जगहों से ढूंढनी पड़ेगी, फिर ये स्टैचू ओपन होगा और इसके अंदर से हमें डिफरेंट किस्म की अपग्रेड करने के लिए आइटम्स मिलेंगे। बर्ड सी टेलीस्कोप, या टेलीस्कोप डिफरेंट लैंड्स ऑफ बिटवीन में लगी होंगी जरा एरिया को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए, ठीक है जी। हीग दी ब्लैक स्मिथ बाउंड बाय दी चेन्स ही फोर्ज, अच्छा, वेपन फॉर दी ट्रैनिस्ट। ओके, ये जो हीज है, हीग है आई थिंक सो नाम, हीग है, ये चेनों के साथ बांधा हुआ और ये हमें किसी राउंड टेबल पर मिलेगा। जो जब भी हमने अपना वेपन अपग्रेड करना है तो हमें इसके पास जाना पड़ेगा, आई थिंक सो, जैसे गॉड ऑफ वार में होता था। काली, काली का है जी ट्रेवलर मर्चेंट हु मेक्स ए लिविंग सेलिंग आइटम, जो आपने कुछ भी बाय और सेल करना है तो आपको काली के पास जाना पड़ेगा, ये भी हमें गेम के लैंड्स बिटवीन के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट पेज है सजेस्टेड आइटम क्राफ्टिंग विद क्राफ्टिंग किट, यू कैन कंबाइन मटीरियल यू गैदर टू मेक आइटम्स एनी टाइम, आइटम क्राफ्ट में ओपन सम पाथ, कुछ पाथ वो ओपन करेंगे। क्राफ्टिंग किट जो है वो आपको काली से मिलेगी, जो लास्ट पेज पे हमने देखा था, लास्ट पेज पे हमने ये वाला, ये जो लाल बाबा साहब है ना सांता क्लॉज की तरह, यहाँ से हमें क्राफ्टिंग किट मिलेगी। प्लस आगे ये डिफरेंट किस्म की आइटम्स हैं, गोल्डन पिकल है, फरकालिंग फिंगर है, फिर जनाब फायर ग्रीस है, रोवर है, ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है जी। ये जो हमें डिफरेंट लैंड ऑफ बिटवीन के डिफरेंट एरियाज में हमें एक्सप्लोर करना है, ये हम आई थिंक सो गेम में जाके देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी। अभी हमारे लिए ये कोई इतना ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हम याद कर भी लेंगे तो उसको फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, आ गए लिम्बर ग्रेव एरिया गाइड। अच्छा जी, लिम ग्रेव एरिया गाइड इंट्रोडक्शन, तो एरिया लिम ग्रेड इंट्रोड्यूसिंग द एरिया ऑफ लिम ग्रेव द सेटिंग ऑफ द गेम ओपनिंग। अच्छा, गेम ओपनिंग के साथ ही आपको लिम ग्रेव का एरिया मिलेगा, उसकी ये गाइड है। चर्च ऑफ एले है सबसे पहले, द चर्च स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ऑफ द फर्स्ट स्टेप साइट ऑफ ग्रेस, द ट्रैवलिंग मर्चेंट काली सेलिंग। अच्छा जी, सबसे पहले चर्च ऑफ एले आएगा, जहाँ पे जो है वो लाल बाबा काली हमें मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद दी एजली लेक, ए लेक नेम्ड आफ्टर दी ड्रैगन दैट लिव्स इन दिस एरिया, देर आर माइंस बिसाइड दी लेक। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद जी स्ट्रॉम वैली कैसल है, उसके बाद स्ट्रॉम गेट है, ये लिम ग्रेव एरिया है जो बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग जब गेम की स्टार्ट होगी वहां पे हमें मिलेगा, और उसमें ये डिफरेंट 3-4 किस्म के एरियाज हैं इंपॉर्टेंट, उसकी उन्होंने गाइडलाइन दी है। नेक्स्ट पे है मिस्ट वुड, ए रिच फॉरेस्ट फुल ऑफ क्रीचर्स, एक जंगल है जो फुल ऑफ क्रीचर्स है, लिफ्ट दैट लीड्स डीप अंडरग्राउंड एग्जिस्ट सम वेयर इन द फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा जंगल होगा जहाँ पे इस तरह के क्रीचर्स हमें मिलेंगे, ये भी हमारा जो एरिया है लिम ग्रेव एरिया उसी गाइड का हिस्सा है। उसके बाद कैसल मोरन भी एक आएगा, कैसल मोरन का नाम है स्टैंडिंग इन लिम ग्रेव साउथ मोस्ट पॉइंट द सेंटर ऑफ दिस हाई वॉल एंड कैन बी सीन इन टू फ्रॉम दी आउटसाइड, ठीक हो गया। इसी लिम ग्रेव में एक राउंड टेबल आएगा, द गैदरिंग प्लेस फॉर दी ट्रैनिस्ट हु सीक दी एल्डन रिंग, इफ यू आर वर्थी टू बी समन्ड यू मे एबल टू विजिट। ओके जी, ठीक हो गया। ये भी एक राउंड टेबल आएगा जहां पे वो हमें क्राफ्टिंग वाला चेनों के साथ बंधा हुआ बाबा मिलेगा, राउंड टेबल पे आपको जाना पड़ेगा बहुत सारे वेपन अपग्रेड करने के लिए, ठीक है जी। ये आपकी डिफरेंट किस्म की क्लासेस हैं, डिफरेंट किस्म के क्लासेस ही हम इसको कहेंगे, आप अपने करेक्टर को किस तरह की लुक देना चाह रहे हैं, किस तरह के एट्रीब्यूट्स कहते हैं उसकी पावर्स और उसकी विगर और स्ट्रेंथ और माइंड सब कुछ को मिला के एक जो बनता है, तो वो किस तरह का हर एक का डिफरेंट है। स्टार्टिंग में सबका कुछ, किसी की कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी का कोई पॉइंट ज़्यादा है, तो आप कुछ भी ले लेंगे उससे कोई ख़ास फ़र्क मेरे ख्याल से पड़ता नहीं है, बाकी गेम खेल लेंगे तो सही पता चलेगा, उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। इट डिपेंड्स कि आपका प्ले स्टाइल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा करेक्टर चूज करते हैं और किस वेपन को आप यूज करते वक्त ज्यादा एंजॉय करते हैं। जस्ट लाइक मैंने गोस्ट ऑफ सुशिमा खेली हुई है तो मुझे ये सुमराए जो है जापानीज करेक्टर ये बहुत पसंद है। उसकी एक और वजह भी ये है कि मुझे ये लगता है कि चूंकि फ्रॉम सॉफ्टवेयर का जो ओनर है जिसने ये गेम बनाई है वो भी जापानीज है, तो आई होप कि जो सुमराए होगा वो सबसे बेस्ट क्लास होगी इसमें। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है अगर आप लोगों ने एल्डन रिंग खेली हुई है। तो आगे चलते हैं, आगे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे ये एक अदद बाबा जी और शेर, ये एक बहुत बड़ा गॉड है, आई थिंक सो ये क्वीन ऑफ अमेरिका का बंदा है, हजबेंड साहब है,
आई डोंट नो, मुझे क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी का नहीं पता तो इसलिए मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। इतना मुझे पता है कि आई थिंक सो ही इज वन ऑफ द मेन विलन ऑफ द गेम। आगे चलते हैं, ये है टोटल लैंड ऑफ बिटवीन का मैप। तो यहाँ पे होती है एल्डन रिंग की गाइड द एंड। आई होप कि मैं आपको देसी जबान में कुछ चीजें समझा पाया हूँ क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा गेमर हूँ नहीं, तो जितनी को मुझे समझ आई है उतनी को मैंने कोशिश की कि वीडियो में आपको भी बता सकूं, ताकि जो भी बंदा एल्डन रिंग को खेलने से पहले थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजों का उसको पता चले, लैंड बिटवीन क्या होता है, स्क्राब्स क्या होते हैं और एनिमीज क्या है, लटरम पटरम क्लासेस क्या होती हैं, बेसिक बेसिक आइडिया हमने एल्डन रिंग की ऑफिशियल गाइड से ले लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मी यासिर इरफान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम एल्डन रिंग का गेम प्ले शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।